सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर मीठी सी वो गाली तेरी ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ सुनने को तैयार हूँ भाई भाई मुझे ना मेरे अम्मी को दवाई देने जाना है तो चलो मैं जाऊँगा। हाँ ठीक है भाई निकल चलो भाई तू जा हम भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। ठीक है भाई ठीक है भाई बाय। यार पिछले एक हफ्ते से साहिल की अम्मी की तबीयत खराब है, मैं भी जाती है तो सोच रहा उसकी अम्मी से मिल लेता हूँ और हालचाल भी पूछ लूंगा। हाँ भाई ठीक है ठीक हुई नहीं ठीक है भाई ठीक है भाई तुम जाओ चलो मैं चलता हूँ। भाई मुझे ना घर जाना है मम्मी को दवाई देना है तो मैं जाऊँ। ठीक है भाई वैसे भी तेरा टाइम हो चुका है जा चलो भाई। ठीक है भाई चला भाई भाई मैं कल साहिल के घर गया था और मम्मी से मिला, मम्मी वगैरह की तबीयत तो ठीक है फिर लेकिन मैंने साहिल के बारे में पूछा तो मम्मी बोल रहे थे क्या वो तो 12 बजे रात को आता है वो तुम्हारे साथ ही रहता है तो मैंने कहा आंटी जी ऐसी कोई बात तो नहीं है साहिल हमारे से मिलता तो है लेकिन फिर कहता है कि मुझे मम्मी की दवाई देने जाने का है और फिर चले जाते हैं कुछ देर में। ऐसी बात है तो दवाई देने के बहाने कहा जाता है वो। चलो भाई उसका पीछे ही करके देख लेते हैं। चलो चलो कैसे हो सकता है इसकी तो इज्जत है अभी जाना गलत है अभी फूट डालेंगे तो अपना भी कुछ हो सकता है उसके वजह से भी जुवारी है अपन इस साइज से कल निपटेंगे भाई लोग। चलो चलो भाई मैं जाता हूँ मेरे को टाइम। रुक जा तू कहाँ जा रहा है हमें पता है तू कहाँ जा रहा है तू जुआ खेलने जा रहा है। हाँ सही बात है ना छुपा रहा था ये वो मैं क्या हुआ वो हमें पता है तू कहाँ जा रहा है। भाई यार मेरे अम्मी का इलाज करना था इसलिए मैंने ये लाइन चुना तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा एक बार और तू ये सब हराम की पशु सब अम्मी का इलाज करेगा क्या तुझे 2 लाख की जरूरत थी हम इंतजाम कर देते उसका। अगर अब जुआ के अड्डे पे दिखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा समझा क्या। सॉरी यार भाई मुझसे गलती हो गई। चल यार कोई बात नहीं यार ले चले सारे भाई तेरे ऊपर 3 लाख रुपए निकल रहे हैं मेरे 3 लाख रुपए दे देना अभी नहीं एक महीने बाद दूंगा। भाई तेरे ऊपर भी 2 लाख रुपए है चल जा रहे निकल रहे भाई क्लियर कर दे मेरे। अरे नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे को मेरे पैसे लगते नहीं है।
भाई यार अभी तक 2 लाख का मैनेजमेंट नहीं हुआ, कैसा करेंगे अपन? 1 लाख का तो मैनेज मैं कर लूंगा, बाकी तुम लोग को देखना पड़ेगा। भाई 50 तो मैं जमा ही सकता हूँ, फिर भी 50 तो फिर अपने को जमाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। भाई टाइम काफी हो गया, अभी तक के साहिल आया नहीं है, कहीं वो पुराने अड्डे पे तो नहीं है? हाँ यार हो सकता है कहीं वहीं तो नहीं चले गया फिर से वो। चलो जल्दी चलो। भाई मेरी माँ का इलाज करना और उनका ध्यान रखना। नहीं, साहिल नहीं। I'm sure I got it.